सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म सामने आया है। अगर हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का बुरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक परवेज इलाही को इंसाफ के तकाजे के तहत 6 दिनों के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब तहवील में दिया गया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करें। जिस्मानी रिमांड के दौरान इलाज मौलजे और अहलिया से मुलाकात को यकीनी बनाने का भी हुक्म जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म सामने आया है। अगर हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का बुरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक परवेज इलाही को इंसाफ के तकाजे के तहत 6 दिनों के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब तहवील में दिया गया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करें। जिस्मानी रिमांड के दौरान इलाज मौलजे और अहलिया से मुलाकात को यकीनी बनाने का भी हुक्म जारी किया गया है।